उसके अलावा आज की तारीख में अगर आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उन कंपनियों को हेलो नमस्ते पेचेक प्रोज, मैं हूं मनीष आहूजा और यह है पेचेक टू प्रॉफिट इंडिया का पहला यूट्यूब चैनल जो डेडिकेटेड है आपके ही फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। मैं इस चैनल पर नए वीडियोस बनाता हूं 4th, 14th और 24th तारीख को और ये वीडियो सारे बनते हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, तो आप अपने लैंग्वेज प्रेफरेंस के हिसाब से ये सारा कॉन्टेंट देख सकते हैं। मैं पिछले एक साल से वीडियोज़ बना रहा हूं, तो समझ लीजिए मैंने कुछ 40 और वीडियोज़ बनाए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो नमस्कार, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाले हर वीडियोस के बारे में इंटीमेशन या नोटिफिकेशन आता रहे। आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा म्यूचुअल फंड्स के बारे में। वैसे तो मैंने म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन आज के वीडियो का सबसे बड़ा हेडलाइन है 28.19 लाख करोड़ रुपीज़। हाँ, आपने सही सुना, 28.19 लाख करोड़ रुपीज़। इंडिया में म्यूचुअल फंड का मार्केट इतना बड़ा हो चुका है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं आता है तो भरोसा कीजिए, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को ज़रूर चेक कीजिए जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ही लिया हुआ है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स इतने बड़े क्यों हुए हैं, क्यों इतने लोग इतना ज़्यादा पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स का ग्रो होने का सबसे कॉमन या सबसे बड़ा कारण क्या है। इंडिया इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी, आई एम श्योर आपने ये चीज़ हर जगह सुनी होगी, एंड फॉर ग्रोइंग इकोनॉमी हर कंपनी अपने हिसाब से ग्रो कर रही है। हाँ, अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो या आपने न्यूज़ चैनल्स देखे हैं तो आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई न्यूज़ चैनल कह रहा है कि इकोनॉमी स्लो हो रही है, इकोनॉमी डाउन है, लेकिन ये ग्रोथ का पार्ट होता है, कहीं ना कहीं ट्रफ आते हैं, लेकिन ओवरऑल इंडिया इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी। और इसे साबित करने के लिए हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के प्रूफ्स हैं। नई कंपनीज आ रही हैं, बहुत सारी कंपनीज आईपीओ लिस्ट कर रही हैं, कंपनीज ग्रो कर रही हैं, कंजम्पशन बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज पढ़े लिखे हैं, उनको जॉब्स मिल रहे हैं, बहुत सारा ग्रोथ हर एंगल से हो रहा है हमारे देश का। और इस ग्रोथ को देखकर हर इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल कंपनी आज इंडिया में अपनी जकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। इंटरनेशनल कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं, या तो अपनी ही कंपनी का एक इंडिया ब्रांच बनाओ, जैसे XYZ UK और US लिमिटेड कंपनी इंडिया में आकर XYZ इंडिया लिमिटेड खड़ी कर दे, या तो इंडियन कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। जो कंपनीज इंडियन कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसे कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स या FIIs। अगर इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, इंडिया की कंपनियां ग्रो हो रही हैं और इंडिया की ग्रोइंग कंपनीज में FIIs का पैसा लग रहा है, तो इंडियन कंपनीज का वैल्यू अपने आप बढ़ रहा है। इस बढ़ती वैल्यू में अगर म्यूचुअल फंड्स भी अपना पैसा डाल देते हैं और शेयर्स खरीद लेते हैं तो उन कंपनीज का शेयर का प्राइस और बढ़ जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच म्यूचुअल फंड्स भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इक्विटीज़ में करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट रेशियो के हिसाब से। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपको ये पता होगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। आप सेक्टोरल म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, जैसे कि अगर आपने बैंकिंग या इंश्योरेंस में म्यूचुअल फंड खरीदा तो सारे के सारा इन्वेस्टमेंट आपका बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में होगा या इंश्योरेंस में होगा। आप ऑटोमोबाइल सेक्टर का म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी के साथ डिपेंडेंट म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं। तो आपके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है म्यूचुअल फंड्स में, आपके पास अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, डेट फंड्स, इक्विटी फंड्स, सेफ इन्वेस्टमेंट फंड्स, लिक्विड फंड्स, इन सब के मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं। उसके अलावा आज आपके पास बहुत ज़्यादा तरीके हैं इन्वेस्ट करने के। आप एक ब्रोकर के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आप डायरेक्टली चाहो तो आप डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स में, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही लॉजिकल ऑप्शन है। उसके अलावा आज की तारीख में अगर आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उन कंपनियों को आपके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और ये इन्फॉर्मेशन को वो अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं। अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड खरीदा है तो वो कंपनी फिर आपको इंश्योरेंस दे सकती है, अगर आपको चाहे तो वो कार लोन, पर्सनल लोन या होम लोन भी प्रोवाइड कर सकती है। आपका डेटा आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डेटा अगर किसी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के पास चला जाए तो वो उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू उनको यूज़ आता है। उसके अलावा सबसे कॉमन और सबसे लॉजिकल रीज़न है,
कि आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग जॉब कर रहे हैं और जॉब करने वाले लोग जब सैलरी कमाते हैं तो उस सैलरी को वो इन्वेस्ट करना ज़रूर पसंद करेंगे ताकि जब वो रिटायर हो जाए तो वो काफ़ी फिनेंशियली सिक्योर महसूस कर सके। तो अगर आपको फिनेंशियली सिक्योर होना है तो आपको आपका पैसा जब इन्वेस्ट करना ही है तो आप कहीं ना कहीं तो उसे इन्वेस्ट करोगे, और म्यूचुअल फंड सबसे आसान और सबसे फ्लेक्सिबल तरीका है उन पैसों को इन्वेस्ट करने का, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको एक अनुमान मिल गया होगा कि क्यों म्यूचुअल फंड एज एन इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा ग्रो कर रही है इंडिया में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और अगर वो करना चाहें तो म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करें। तो बस पेचेक फ्रोज आज के लिए इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अपने चाहने वालों का ध्यान दीजिए और खुश रहिए। कटिंग।